नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। अनुराग कश्यप ने कहा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर की स्क्रिप्ट लिखते वक्त वे इतना रम गए कि पता ही नहीं चला कि कहानी काफी लंबी हो गई। अनुराग ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसके हिसाब से फिल्म 3 पार्ट में बनती। फिल्म की लेंथ 7.5 घंटे की हो गई थी। वो फिल्म मेकर विक्रमादित्य मोटवाने थे जिन्होंने इसका लेंथ कम किया। फिल्म 2 पार्ट में बन पाई। अनुराग ने कहा कि फिल्म में कुछ डायलॉग्स ऐसे थे जो स्क्रिप्ट में नहीं थे। अनुराग कश्यप ने कहा कि मैं फिल्म की कहानी लिखते ही जा रहा था, ऐसा लगा कि फिल्म 3 पार्ट में बनेगी। हालांकि विक्रम आए और उन्होंने इसकी लेंथ पर काम किया। उनकी वजह से फिल्म 3 पार्ट की बजाय 2 पार्ट में बन पाई। जो मैंने कहानी लिखी थी उसकी लेंथ 7.5 घंटे तक चली गई थी। अनुराग कश्यप ने कहा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में कई ऐसे डायलॉग थे जो इम्प्रोवाइज्ड थे, स्क्रिप्ट में वो डायलॉग कहीं थे ही नहीं। फिल्म का एक फेमस डायलॉग तुमसे ना हो पाएगा भी स्क्रिप्ट में नहीं था। इस डायलॉग को तिग्मांशु धूलिया ने ऐसे ही बोल दिया था। तिग्मांशु धूलिया ने फिल्म में विलेन रामाधीर सिंह का रोल प्ले किया था। तिग्मांशु वैसे तो फिल्म मेकर है लेकिन इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया था। अनुराग कश्यप ने कहा कि तिग्मांशु धूलिया ने इतने नेचुरली इसे किया कि हम लोग हंस हंस कर पागल हो गए। मैंने अपने एक्टर्स को खुली छूट दी थी, जैसा चाहे वैसे परफॉर्म करो। ऐसा करने से एक्टर्स अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।